नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज़ और आज तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये सरकार गिरने वाली है। क्यों कहा ये तेजस्वी यादव ने, ये समझने वाली बात है। तेजस्वी यादव ने कहा ये सरकार गिरी हुई है क्योंकि इस सरकार में अफसरशाही बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता बिहार की बेहाल है। उन्होंने कहा कि इस सरकार जल्द गिरने वाली है। दरअसल आज मौका था JDU के जो सदस्य हैं, साथ में जो विधायक यानी लोजपा के जो पूर्व विधायक दल के नेता रहे महेश्वर सिंह, आज वो RJD में शामिल हो गए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की आइडियोलॉजी पे अपना भरोसा जताते हुए कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप दी बिहार को, उनके लीडरशिप में आस्था जताते हुए आज महेश्वर सिंह आज RJD में शामिल हो गए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार के जो JDU की पार्टी है उसमें भी बहुत एक बेचैनी है, तमाम सारे विधायक भी परेशान हैं और आम जनता तो है ही बेहाल, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का, बिहार की जनता बेहाल है और नीतीश सरकार जल्द गिरने वाली है। आइए हम सुनते हैं तेजस्वी यादव को। तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो, लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना RCP टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना RCP टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते
कि क्या स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे विधायक जो हैं इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से गिरी हुई सरकार, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है, दो बार जो है विधायक रह चुके हैं, एक बार एजीपी सदन में नेता भी रह चुके हैं, और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज की जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई है, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों के उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करें। इसलिए आप लोगों को कोई सवाल इससे कुछ पूछना है सब लोगों के साथ लोग बैठेंगे। अब आप बताइए ना, लोकतंत्र का क्या धज्जिया उड़ाया है, नियम कायदा का क्या धज्जिया उड़ाया है। देश के इतिहास में कहीं किसी विधानसभा में ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ पुलिस का काला कानून पुलिस के मौजूदगी में सदन के अंदर विधायकों को पीट करके पास कराएगा, महिलाओं का साड़ी खींच करके चूड़ी तोड़ करके झोटा पकड़ करके जो है किस प्रकार से बाहर ले लिया गया, ये किसी छिपा नहीं। हमेशा वही विधानसभा है जहाँ कर्पूरी जी रात भर धरना दे चुके, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं की है कि भाई पुलिस को बुला करके खुदाई कराए। आज देख लीजिए कोई वो का दिन जो है खुला नहीं। अब उसके तो हम सब हाथ बदलने के साथी है, सब बैठ करके हम निर्णय लेंगे कि क्या करें। आप देखिए ना, ये सरकार ने एक भी परीक्षा जो है फेयर एकदम नहीं कराया, आज कोई ना कोई चीज निकल के आते ही ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, आपका जो नहीं हुआ। बोर्ड की परीक्षा में शरीर पास करती है तो एस टी सी वाले मलयालम की एक्ट्रेस से कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया, खादी होगी। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा जब मंत्री ही इतने बड़े आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा लिया अपने मुंह में, और ये नहीं कहा मंत्री जी ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते, कितने तबादले में पैसे लेकर के इसको रुकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छीटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली में दिख रहा होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने एक बार बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, गंगा जी में डुबकी लगाएगा तो पाप नहीं भूलेगा।